हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस है, इसका जो कंप्लीट जो डिस्कशन है, कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम जो क्या क्या जो पॉइंट्स है वो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपका जो लाइफ इन द अमेजन बेसिन, इसका जो लोकेशन है, आपके जो नेचुरल वेजिटेशन, आपके जो एनिमल लाइफ, या फिर आपके जो वहाँ पर जो रहने वाले जो पीपल्स हैं वहाँ के जो देन उसका जो इम्पैक्ट है वो जो डेवलपमेंट पर क्या पड़ा, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे जो सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स है, जिसमें आपका लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है हमारा इंडिया का, वहाँ पर उसका जो लोकेशन हम देखेंगे, कहाँ पर वो लोकेटेड है, कौन से जो किस टाइप की जो वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पर हम जो देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन है वो किस टाइप का पाया जाता है, साथ ही साथ वहां पर एनिमल लाइफ और आपके जो इकोनॉमी है इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, हम ये सभी जो पॉइंट्स है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेरे साथ बेटा इस पूरी वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो लेट डिस्कस। हाँ, ह्यूमन बींग्स टूडे कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। मीन्स अभी के दौर में देखा जाए तो मैक्सिमम जो अर्थ का जो ऑलमोस्ट एवरी जो पार्ट्स है, सभी जगह जो है ह्यूमंस आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो हम बात करें आपका जो डिजर्ट एरिया है, चाहे वो कोल्ड रीजन है हम की बात करें, या फिर जो कोई भी जो आपके जो माउंटेन रीजन है वहां पर भी आपको ह्यूमंस देखने को मिलेगा। दे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। जिस एनवायरमेंट वो रहते हैं, जहां पर वो निवास करते हैं, उसको वो क्या कर रहा है, उसको हमेशा चेंज कर रहा है। वो अपने लिए चेंजिंग इट टू सूट देयर नीड्स एंड अडॉप्टिंग इन टर्न देयर ओन बिहेवियर एंड कस्टम टू सूट द एनवायरमेंट। मीन्स वो क्या कर रहा है, या तो वो एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग टू चेंज कर रहा है, या फिर वो जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टू जैसा सुटेबल होता है वो अपने आप को उसके अनुसार से ढाल ले रहा है, अपने आप से उसको अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहा है। सो ह्यूमंस लिविंग इन द डिफरेंट नेचुरल Regions of the world adapt to the environment in a different ways. Means, जिस एरिया में जिस टाइप के जो ह्यूमन्स रहते हैं वहां का जो इन्वायरमेंट है तो वो अलग अलग तरीके से अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। जैसे कोल्ड रीजन में रहने वाले जो ह्यूमन्स है तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेते हैं। जो आपके जो हॉट रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो उनके अकॉर्डिंग टू अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। सो इट इज अ लार्जली द जियोग्राफिकल एनवायरमेंट दैट डिटरमाइन द काइंड ऑफ फूड्स पीपल इट, द क्लॉथेस दे वेयर एंड द हाउसेस दे बिल्ड। मीन जो जियोग्राफिकल जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग टू उसका जो खान पान है, वो कैसा जो भोजन वो करेगा, उसका फूड हैबिट क्या होगा, वो किस तरीके से क्लॉथेस पहनेंगे, साथ ही साथ उसका जो हाउस है वो किस तरीके से बिल्ट होगा, ये सभी जो है वहां का जो जियोग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम जो है आपका जो थार डिजर्ट वाला एरियाज की हम बात करें, या फिर जो हम इस चैप्टर में हमारा जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहां पर जो रहने वाले, जहां पर बारिश होगा वहां पर फ्लैट जो रूप वाले जो छत होगा तो वहां पर वाटर स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। ठंडा एरिया है, कोल्ड डिजर्ट एरियाज पर रहते हैं लोग, और वहां पर वो आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, तो वो उनके हेल्थ के लिए क्या होगा, नुकसान करेगा उनको। जैसा जहां पर जो लोग रहते हैं वहां का जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू वो जो उनका जो फूड हैबिट्स, उनका जो क्लॉथेस है, ये सभी उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। सो टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, वी विल फर्स्ट लुक एट टू रीजन लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट जो है आपका द अमेजन बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब जो ह्यूमन जो है किस टाइप से जो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडॉप्ट करता है, क्या मॉडिफिकेशन करता है अपने आप में और इन्वायरमेंट्स में, साथ ही साथ उनका जो इंट्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है, तो इन्हीं चीज़ों को हम ये जो दो जो डिफरेंट जो रीजन है, एक है आपके अमेजन बेसिन का जो रीजन, मीन्स अमेजन का रिवर वाला एरिया, साथ ही साथ आपके गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन एरिया है, वहां पर दोनों जगह से हम समझने का प्रयास करेंगे। सो बेसिकली ये जो हम बात करें तो ये जो आपका रीजन है, एक जो हमने देखा अमेजन बेसिन रीजन, और सेकंड आता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन रीजन। सो वो कहां पर लोकेटेड है, तो एक जो है ट्रॉपिकल जोन एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, वाइल द ट्रॉपिकल जोन एक्सटेंडेड फ्रॉम 25 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। मीन्स जो इक्वेटर है हमारा, उसके जो नॉर्थ और साउथ में जो दोनों जो है आपका 5 डिग्री से लेकर हम बात करें आपका
ये तो आपका जो रीजंस वाले, इसमें हम देखते हैं आपके जो मैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा बेटा कि ये जो है हमारा इक्वेटर हो गया है ना, ये आपका हमारा 0 डिग्री हुआ। देन यहां से जो 5 डिग्री है वो तो इक्वेटोरियल रीजंस हो गया, यहां से आपका देखोगे तो वो 5 डिग्री आपका इक्वेटोरियल रीजंस। देन यहां से 5 डिग्री जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपका जो 25 डिग्री है वहां तक हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ट्रॉपिकल जोन। 25 डिग्री तक हम जाएंगे तो ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा। देन उसके ऊपर 25 से लेकर आपके जो 35 डिग्री तक हम जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 डिग्री तक ये हो जाएगा हमारा सब ट्रॉपिकल जोन। मींस ये जो सेम जो है यहां से आपका 5 डिग्री, ये जो दोनों ये एरिया हो गया हमारा क्या, इक्वेटोरियल रीजन। फिर यहां से जो है 5 डिग्री से लेकर हमारा 25 डिग्री ये हमारा हो जाएगा क्या, हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन। मींस ये जो बीच का जो ये जो एरिया हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरे यहां तक आप देखोगे तो ऐसा ये आपका ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा। फिर इससे आगे जो है 25 से 35 के बीच में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा रीजन, ये वाला जो रीजन है हमारा हो जाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो है 0 डिग्री से इधर आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया हमारा कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अपर जो पार्ट हम देखेंगे यहां पर तो अपर जो पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर का देन इधर सदर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों दोनों एरिया पर ये जो एक्सटेंशन है हमें हमारा जो ट्रॉपिकल जोन और जो सब ट्रॉपिकल जो जोन है वो देखने को मिलेगा। और यहीं पर जो लोकेटेड जो प्लेस है, एक जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट और जो सेकंड है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में सबसे पहले हम जो देखते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है हमारे जो वर्ल्ड का जो ये आपको जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो मैप है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे हम यहाँ पर देखें बेटा तो अमेजन रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इमेज देख लेते हैं। सो ये आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट या अमेजन रिवर्स आपको दिखाई दे रहा है, उसके आसपास ये पूरा का पूरा आपको रेन फॉरेस्ट नजर आ रहा है, साथ ही साथ कुछ जो नोट्स पॉइंट भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए हम जो देखते हैं आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट की हम बात करें, सो इसका जो एक्सप्लेनेशन देखें, सो द अमेजन द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड is a perennial snow-filled river. It rises high in the Andes mountain in Peru and flows eastward draining the entire northern part of South America, namely Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia and Venezuela. So, ये जो Amazon जो rivers है वो कहाँ पर, तो वो जो है perennial में जो continue flow होने वाले, ये जो है आपका यहाँ से वो इसका जो सोर्सेज है नजर आएगा, ये जो हमारा जो आपका इंडीज जो माउंटेन रेंज है ये आपका इंडीज माउंटेन रेंज नजर आएगा। और इसी में हम देखेंगे कि जो आपके जो यहीं से सोर्स से होते हुए डिफरेंट जो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें मिक्स होते जाते हैं और ये अमेजोन जो रिवर्स है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो रिवर सिस्टम है वो डेवलप करता है। ये इतना पूरा एरिया जो है इसका जो ड्रेनेज जो बेसिन एरिया है, तो ये जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट और जो सेकंड जो लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो हमारा अमेजोन। सो डिफरेंट जो आपके जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं इससे रिलेटेड बेटा आपको जो मैप दिखाई देंगे वहां पर आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं मैप के थ्रू। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं जो बेहतर जो उसका लोकेशन वो कहां पर लोकेटेड है, कहां से ऑरिजिनेट होता है, तो इसको हम मैप से देखते हैं। तो चलिए बेटा थोड़ा अमेजोन चलते हैं, हम वहां से घूम के आते हैं। ये जैसे आपको दिखाई देगा कि आपका जो अमेजोन का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है यहां पर आपको डिटेल में आपको दिखाई देगा कि कहां पर आपके जो द अमेजोन का जो रिवर है, जो अमेजोन रिवर्स यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपका अमेजोन रिवर्स फ्लो हो रहा है और इसके आसपास वाला जो आपका जो अमेजोन फॉरेस्ट एरिया दिखाई दे रहा है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं बेटा कि इसके माध्यम से मैप के थ्रू कि कैसे जो है कहाँ पर जो अमेजोन का रेन फॉरेस्ट एरिया है जो हम बात कर रहे हैं आपका जो एंडीज माउंटेन यानी जो आपका जो पेरू वाला जो एरिया इलाका है वो कहां पर है। सो ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है ये सभी एरिया आपका क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये पूरा एरिया यहां पर आपको ये जो रिवर्स है वो अमेजन रिवर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या है, अमेजन रिवर्स है, यहां पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरे आपको ग्रीन कलर्स में जो नजर आ रहे हैं वो आपका क्या है, अमेजन फॉरेस्ट। तो थोड़ा बैक चलते हैं हम और डिटेल व्यूज जो देखते हैं हम आपका कि अमेजन का जो रिवर्स जो सिस्टम है वो कहाँ से निकलता है। तो ये आपका जो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये आपका पेरू हुआ, ये आपका पेरू का है।
और ये जो पूरा आपको जो डिटेल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा कहीं ना ये एरिया आपका जो अमेजोन का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है जो रिवर है, सो ये यहाँ से आपका जो ये जो माउंटेन रेंज है आपका, आपने देखा कि जो एंडीज जो माउंटेन रेंज, तो ये आपका जो ये पूरा जो रेंज है वो आपके एंडीज माउंटेन रेंज दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं से ही आपका ये जो अमेजोन रिवर्स है यहाँ से वो ऑरिजिनेट हुआ, मीन्स यहाँ से वो निकला है। देन वो जो इधर से फ्लो होते हुए आपका ये जो ईस्ट वर्ड, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट वर्ड जो फ्लो होते हुए ये आपका कहाँ पर, ये जो आपका जो डिफरेंट जो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियंस है वहाँ पर वो जाकर मिक्स हो जाते हैं। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिवर्स है आपका क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो एरिया है ये हमारा क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया। और डिटेल व्यूज आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और जो डिटेल व्यूज हैं वो नजर आएगा कि कैसे ये जो अमेजन रिवर्स है वो फ्लो हो रहे हैं, डिफरेंट कौन कौन से जो रिवर्स है इसमें आकर मिक्स हो रहे हैं। सो यहाँ पर बेटा ये आपको जो नजर आ रहा है मैप आप देख सकते हैं, इसके थ्रू आप डिटेल इसका जो स्टडी है वो कर सकते हैं अमेजोन रिवर्स। साथ ही साथ यहाँ पर और कुछ जो डिफरेंट जो रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाला जो रिवर्स है वो भी आपका कहाँ पर अमेजोन में जाकर मिक्स हो रहा है, और यहाँ पर वो क्या हो रहा है आपके जो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियंस है वहाँ पर वो जाकर मिक्स हो जा रहा है। सो ये जो हमारा जो अमेजोन रिवर जैसे कि आपने देखा अभी मैप के थ्रू, तो उससे बेहतर हम अंडरस्टैंड कर सकते थे इसका जो फ्लोइंग एरियाज और कितने एरियाज में ये फैला हुआ है, कहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है, मैप के थ्रू हम आपको बेहतर अंडरस्टैंड किए होंगे। सो ये अमेजोन जो रिवर्स है वो क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मीन्स जो फर्स्ट नंबर पर है हमारा जो नाइल रिवर है, तो कहां पर है एक बार आप जरूर उसको मैप में सर्च कीजिए नाइल रिवर कहां पर लोकेटेड है। तो अमेजॉन जो रिवर्स है वो सेकंड लार्जेस्ट आपके जो लॉन्गेस्ट रिवर है, और लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो अमेजॉन है फर्स्ट नंबर पर है और लॉन्गेस्ट में वो सेकंड नंबर पर है। इसका जो डिस्टेंस है लेंथ है वो 6400 किलोमीटर इसका लेंथ है। सो द अमेजॉन बेसिन इज द वेस्ट एक्सटेंडिंग रफली फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। अब ये जो है रफली कहां पर लोकेट है, तो आपने अभी मैप देखा उसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ नीचे आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो इसका जो लोकेशन है वो जो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वहां तक इसका जो लोकेशन है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे ये जो हायर जो पॉइंट्स आपको नजर आएगा ये ऊपरी पॉइंट, तो ये 10 डिग्री होगा, नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री जो साउथ लेटिट्यूड है, तो यहां पर लास्ट जो पॉइंट्स है वो नजर आएगा। तो यहां तक इतने पूरे एरिया में हमारा अमेजॉन जो बेसिन है वो लोकेटेड है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट यहां तक पूरा फैला हुआ है। देन नेक्स्ट हम आगे चले, सो यहां पर अमेजॉन बेसिन का दीदी लोकेशन हो गया, आपने उसका मैप भी देख लिया। अब जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, द क्लाइमेट हियर इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस एवरग्रीन हार्डवुड ट्रीज, मीन्स यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि यहां पर जो डेंस जो हार्डवुड जो ट्रीज है वो ग्रो करते हैं, और जिसे हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं। ड्यू टू द लॉन्ग वार्म ग्रोविंग सीजन एंड प्लेंटीफुल रेनफॉल ट्रीज ग्रो वेरी टॉल हियर अप टू 40 to 60 meters, मीन्स यहां पर जो अबेंडेंट रेनफॉल्स होता है साथ ही साथ जो सनलाइट है वो डायरेक्टली भी पड़ता है, सो इसके कारण से जो ट्रीज हैं बहुत ही टॉल जो ग्रो करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज हैं लगभग आपके जो 40 to 60 meters हाइट्स के जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। देन द टॉल ब्रॉड लीफ ट्रीज फ्रॉम अ कोनोपी आर अ कवर्ड दैट डज नॉट अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द फॉरेस्ट फ्लोर, मीन्स अब यहां पर हम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो ये जो रेन फॉरेस्ट है वो वहां पर बहुत बड़े बड़े जो टॉल जो ट्रीज मिलते हैं, तो वो जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं, तो सनलाइट से वो नीचे एरिया तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण से जो फॉरेस्ट नीचे जो डाउन साइड है वहां पर ज्यादातर आपको जो प्लांट्स है वो नहीं दिखेंगे। बट एज अ रिजल्ट रेन फॉरेस्ट आर डेंस डार्क एंड डम्प, देयर इज अ लिटिल अंडरग्रोथ, मीन्स सबसे नीचे लेवल पर आपको ज्यादा प्लांट्स नहीं मिलेंगे, बट हायर लेवल पर ऊंचे ऊंचे जो प्लांट्स है वो मिलेंगे, साथ ही साथ उस जो प्लांट्स के ऊपर और जो डिफरेंट जो प्लांट्स है वो ग्रो किए हुए आपको मिलेंगे, जो आपका ये जो एपिपैथिक जो प्लांट्स है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इमेज है वो हम देखते हैं। सो यहां पर ये जो रेन फॉरेस्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो टॉल जो ट्रीज है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज है वो आपको नजर आ रहे हैं।
ये साथ ही साथ इसके जो नीचे आपको डार्क जो एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसका जो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो टॉल जो ट्रीज नजर आते हैं होते हैं, तो सनलाइट है वो डायरेक्टली यहीं पर पड़ता है और जो नीचे एरिया में जो सनलाइट जो पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता है। और हमें पता है कि जो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए सनलाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जो प्लांट्स है वो ग्रो कर पाएंगे। सो ये हुआ बेटा कि जो हमारे जो रेन फॉरेस्ट है अमेजोन में, इसमें आगे देखते हैं कि कौन कौन से जो ट्रीज पाए जाते हैं। तो यहां पर जो महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये जो सम जो ट्रीज हैं यहां पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो शेड रेजिस्टेंट जो प्लांट्स है जो क्या करता है जो जिनको सनलाइट की ज्यादातर जरूरत नहीं हो रही, डायरेक्ट जो सनलाइट्स की जो जरूरत नहीं होती है, जो पेथेटिक जो प्लांट जिसके हमने बात की जो अदर प्लांट्स पर ग्रो करते हैं जैसे ऑर्चिड्स है वो यहाँ पर ग्लोक होता है और इन जो फॉरेस्ट एरियाज है उसको सेलवास के रूप में जाना जाता है। सो ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट रिलेटेड। यहाँ पर एनिमल लाइफ की हम बात करें, एनिमल लाइफ हम देखें तो डिफरेंट जो वैरायटीज ऑफ एनिमल्स है वो अमेजॉन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं क्योंकि अबेंडेंट प्लांट्स है यहाँ पर, तो प्लांट्स है फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पर एनिमल लाइफ भी बहुत ज्यादा होंगे। कुछ इमेज देखें एनिमल्स का तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो एक एक तरीके से जो मकाउज हो वो वहां पर पैरेट जो पाया जाता है, पुमा आपको जो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ पाइथन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है पाइजनस एरो फ्रॉक्स है, मतलब ये जो फ्रॉक्स है उसको आप टच करेंगे तो आपको पॉइजन हो सकता है, काट लिया तो पॉइजन हो जाएगा, जहरीला जो फ्रॉक्स है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। अब हम यहाँ पर एनिमल लाइफ में देखें, सो दिस रीजन इज रिच इन फौना, मीन्स यहाँ पर जो प्लांट जो स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीसीज आर फाउंड हियर, डिफरेंट वैरायटीज के जो एनिमल जो स्पीसीज है, मीन्स अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बर्ड्स में आपको देखोगे तो जो मकाउज है जैसे हमने पैरेंट्स, ये आपको पैरेंट्स को जो देखा था आपने, आपके जो टचकेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, हमिंग बर्ड्स है ये आपको टचकेंस का वो इमेज दिखाई दे रहा है, हमिंग बर्ड्स है वो आपको देखने को मिलेगा। जो फॉरेस्ट को कलरफुल और नॉइजी बनाते हैं, मीन्स इनका जो आवाज़ है वहाँ पर हमेशा गूंजते रहता है। एनिमल्स में जिसमें हम ये तो बर्ड्स हमने देखा, एनिमल्स में देखें तो टैपरीज, ये आपको जो टैपरीज जो दिखाई दे रहा है, स्लॉथ है, आपके जो होलर्स है मंकी जो है, जगुआर्स है, पुमाज है, आपके जो आर्म डीलर्स है, वो सभी जो है यहाँ पर कहाँ पर? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल, मीन्स अलग अलग टाइप के जो क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स है, पाइथन्स है, ये सभी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ द एनाकोंडा इज वेन लॉन्ग स्नैक ऑफ दिस रीजन, एनाकोंडा से रिलेटेड आपने मूवीज भी देखा होगा तो वो भी जो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो पिराहना जो मछली है जिसके जो दांत आपको जो दिखाई दे रहे हैं, सांप जो तीत नजर आ रहा है, ये जो इमेज, तो इस ये भी अमेजॉन बेसिन में पाया जाता है। डेडली जो पिनाना है वो पाया जाता है और डिफरेंट टाइप के जो इस जो फॉरेस्ट में आपके हाउस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट जो स्पीसीज है, मीन्स अलग अलग टाइप के जो इंसेक्ट है, थाउजेंड टाइप के जो इंसेक्ट है वो यहाँ पर पाए जाते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जो आपके जो पीपल लाइफ है, वहाँ के जो लोगों का जो जीवन इस तरह है, हम उसकी बात करें लोग किस टाइप के रहते हैं। सो द अमेजॉन बेसिन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, मीन्स अमेजॉन बेसिन है वो उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहां पर, बट अभी के दौर में जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वहां पर पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। प्रिमेटिव ट्राइब्स लिव इन द कोर फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया वहां पर प्रिमेटिव जो ट्राइब्स है वो रहते हैं। जैसे आप इमेज देखेंगे तो ये जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, इनका जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके जो ट्राइबल पीपल्स हैं आपको जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में देखने को जरूर मिलेगा। सो द ट्राइबल पीपल लिव्ड इन थ्रस्ट हंट, सम ऑफ विच आर शेप्ड लाइक बीहूस, मीन्स क्या होता है कि जो उनका जो घर है रहने का वो झोपड़ी नुमा होता है, झोपड़ी घास फूस से वो बने होते हैं। हाउसेज आर ऑल्सो बिल्ट ऑन स्लिट, सम जो हाउसेज है वो स्टील से भी बने होते हैं। सम ऑफ आर ट्राइब्स हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग, अभी जो है कुछ जो ट्राइबल जो पीपल्स पहले जो अंदर रहते थे वो अब थोड़े बाहर एरिया में आ गए, उनमें डेवलपमेंट आया तो जो मॉडर्न जो लिविंग है उससे वो उनको पता चल रहा है। बट ये जो है अब अपार्टमेंट में जो हाउसेज है जिसको मेलोकॉस जो कहा जाता है वहां पर वो रहने लगे, जो स्टेपली स्लैंटिंग रूफ्स टू इनेबल रेन वाटर टू ग्लेड
डाउन मीन्स वो जो ऐसा मतलब उसका जो हाउस है वो झुका हुआ रहता है ताकि जो बारिश का जो पानी है वो क्या हो इजिली जो है क्या हो जाए नीचे, वो नीचे आ जाए, मीन्स यहां से बारिश होगा तो वो क्या होगा सीधा ढल जाएगा। तो इस तरीके से वो जो इनके जो हाउसेज है वो हमें देखने को मिलता है। दे यूज द टिम्बर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन दिस हाउसेस, मीन्स वो जो है जो टिम्बर जो है लकड़ी जो है फॉरेस्ट से मिलता है उन्हीं से वो बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये इमेज दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके जो हाउसेज है यहाँ से वो झुके हुए डायरेक्टली ताकि जो बारिश होगा तो वो नीचे पानी आ जाएगा रेनफॉल्स के सिचुएशंस में, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम टाइम अमेजन रेन फॉरेस्ट में बारिश होते रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो इवन टूडे मेनी ऑफ द पीपल हियर आर फ्रॉगर्स एंड डिपेंड ऑन फूड गैदरिंग हंटिंग एंड फिशिंग, मीन्स अभी भी यहाँ पर जो मैक्सिमम जो पीपल्स हम देखेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते घुमक्कड़ है और वो फूड गैदरिंग फूड इकट्ठा करना है शिकार करना है फिशिंग करना है उन्हीं से ही अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चलाते हैं। While the men are involved more in hunting and food gathering, the women grow crops. जब जेंट्स जो है मेन है वो शिकार के लिए जाते हैं सो जो महिलाएं हैं वो क्या काम करती है वो जो है फूड ग्रोविंग का काम करते हैं, मीन्स वो जो खेतों के में जाते हैं वहां से फसल उगाते हैं डिफरेंट जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं। क्या होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के रूप में भी जानते हैं। सो वो क्या करते हैं दे क्लियर अ पैच ऑफ अ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन एंड बर्निंग द ट्रीज, वो ट्रीज है उसको वो क्या कर देते हैं कट कर दिए फिर ये जो एरिया है वो क्या होगा क्लियर हो गया यहाँ पर वो आग लगा देते हैं फिर इस जगह पर वो एग्रीकल्चर करते हैं खेती बाड़ी करते हैं। सो दे देन ग्रो क्रॉप्स इन द क्लियरिंग द अर्थ फ्रॉम द बर्न ट्रीज एक्टिंग एज अ फर्टिलाइजर, वो जो राख जो बचता है वहां पर जो जले हुए जो पेड़ के जो प्लांट्स हैं वो एक जो है फर्टिलाइजर का काम करता है और जब तक वहां पर फर्टिलिटी जो है सॉइल की बनी रहती है तब तक वहां पर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं फिर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ये जगह नहीं सही तो दूसरी जगह। सो अब वो उगाते क्या चीजें हैं कौन कौन सी चीजें, तो वो जो आपके जो टापियोका उगाते हैं वो स्वीट पोटैटो उगाते हैं पाइनएप्पल बनाना यम है ये सभी वो जो है उस एरिया पर ग्रो करते हैं। साथ ही साथ जो कसावा है उनका जो स्टेबल फूड है ज्यादातर वो उसी को खाना पसंद करते हैं। सो ये आपका बेटा हुआ कि जो वहां पर जो पीपल्स है उससे रिलेटेड एक और इमेज देखते हैं। ये आपका जो एग्रीकल्चर यहाँ पर वो क्या किए पेड़ों को यहाँ से कट डाउन कर दिए और इस एरिया पर वो एग्रीकल्चर करेंगे कुछ सालों तक करेंगे जब तक फर्टिलिटी बनी हुई उपजाऊ बना हुआ जब तक प्रोडक्शन ठीक हो रहा है तब तक वहां पर वो खेती करेंगे फिर उस जगह को छोड़कर दूसरे को क्लियर करेंगे और वहां पर फिर एग्रीकल्चर करेंगे। सो सम ऑफ जो कैश जो क्रॉप्स उनके द्वारा जो ग्रो किए जाते हैं इस रीजन पर जिसमें आपका जो रबर है आपके जो कॉफी है मेज है और कोकोआ, ये जो है कोको को वो जो है ग्रो करते हैं। द पीपल हु गैदर लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज इन द फॉरेस्ट हियर आर नोन एज सेरिंगुरियस, मींस वहां पर क्या करती कि वो जो है आपके जो है फॉरेस्ट एरिया से वो क्या उगाते हैं आपके जो रबर के जो प्लांट्स है वहां से वो जो है रबर इकट्ठा करते हैं। देन द लेटेक्स गैदर्ड बाय देम इज यूज टू मेक रबर क्यूब सीड्स एंड बैंड्स, तो ये जो प्लांट से जो निकलता है उसको वो रबर क्यूब्स बनाने के लिए सीड्स बनाने के लिए बैंड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो रहने वाले जो पीपल्स है उससे रिलेटेड। देन जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है पीटर द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मीन जैसे जैसे डेवलप हो रहा है हमें देखने को हम आसपास देखते हैं आप अपने आसपास ही देखोगे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उनका क्या इम्पैक्ट नजर आता है। सो लाइफ इज स्लोली चेंजिंग इन दिस रीजन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे डेवलप हो रहा है सो उसके अकॉर्डिंग तो सभी का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होते जा रहा है। द ट्रांस अमेजन हाईवे लेड इन 1970s हैज मेड मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एसेसेबल, मीन्स जब 1970 में जब वहां पर ट्रांस अमेजन हाईवे डेवलप किया गया बनाया गया रोड्स बनाया गया तो जो अमेजन का जो जो मैक्सिमम जो एरिया है जो रेन फॉरेस्ट एरिया है वहां तक जाने के लिए एक जो रास्ता है वो खुल जाता है। इससे पहले वहां पर कोई रास्ता नहीं था
तो हम जो देखते थे कि जो जो जंगल में जाता था वो वहीं का हो जाता था, मीन्स वो वापिस नहीं आता था, वो कहीं वहीं खो जाता था। जो आदिवासी है वहां पर, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, वो उनको पकड़ लेते थे और उनका क्या होता था वो पता नहीं, वही जानेंगे। सो सम पार्ट आर आल्सो रीच विद द हेल्प ऑफ स्टीमर्स एंड एयरक्राफ्ट। कुछ जो स्टीमर्स हैं या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं, एरोप्लेन्स हैं, आपके जो हेलीकॉप्टर है, उसके माध्यम से भी जो ऐसे एरियाज है जहां पर नहीं जा सकते हैं, वहां उस एरिया पर भी पहुंचा जा सकता है और वहां पर भी रिसर्च है, वहां पर खोजबीन किया जा सकता है। सो डेवलपमेंट इन दिस रीजन हैड लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी इंडिजिनियस पीपल, मीन्स वहां के जो लोकल जो पीपल्स हैं वो जो डेवलपमेंट होते जा रहा है, तो कुछ जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो वो जो अदर जो पीपल्स हैं उसके जो कांटेक्ट में आए, उनके जो ट्रेडिशंस है उसके साथ कोई जो छेड़खाड़ हो, उसके साथ कुछ मिक्सअप हो, इसलिए वो और डीप इनर पार्ट्स में चले जाते हैं। जैसे कुछ पता चला कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है, सो वो जो है उस एरिया को छोड़कर और जो ऐसे एरियाज पर जहां पर उनका इफेक्ट ना पड़े वहां पर भी वो चले जाते हैं। सो इट हैज ऑल्सो लेड टू अ लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन एंड द रिजल्टेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। मीन्स वहां पर क्या हो रहा है कि जो लार्ज स्केल पर वहां पर डिफोरेस्टेशन, मीन्स पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को कट गया तो जो वहां पर बायोलॉजिकल जो डायवर्सिटी है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। मीन्स वहां पर जो प्लांट जो लाइफ थे, वहां पर जो डिफरेंट जो एनिमल्स थे, अब हमें देखने को सुनने की क्यों मिलता है कि इस एरिया पर जो एलिफेंट्स है उसने आकर इतने सारे जो फसलें हैं फार्मर्स के उसको कर दिया, कोई जो है हमें जो चीताज है लायंस है वो हमें सिटीज में घूमते हुए नजर आए, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो फॉरेस्ट एरिया को क्या कर दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे, पेड़ों को काट दे रहे हैं बेटा। अब वो रहेंगे तो रहेंगे कहाँ, है ना? तो वो हमारे घरों में रहने आ रहे हैं, बट हम तो किसी को अपने घर में रहने नहीं देंगे, हमारे एरियाज में रहने देंगे क्या? नहीं देंगे, इसलिए हम उसको भगा देते हैं, उसको मार देते हैं। सो डिफोरेस्टेशन हैज ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल सॉइल इरोजन। डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। देन दिस इज अ कॉजेज ऑफ कंसर्न एज इट इज अ डिस्ट्रॉइंग द लस ग्रीन लैंडस्केप एंड अ मेकिंग इट अ बैरन। मीन्स ये जो सभी जो एक्टिविटीज है जो किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा, पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, वहां पर टूरिज्म एक्टिविटीज हो रही है, अदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, वहां से रिसोर्सेस लिया जा रहा है। एक जो हरा भरा जो एरिया है जहां पर फॉरेस्ट एरिया है नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है, उसको हम खत्म कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो जैसे जैसे हम डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आएगा हमें इजिली पता है। हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, समय पर बारिश नहीं हो रहा है, या फिर कभी कभी ऐसे सीजन में बारिश हो जा रहा है जिसके हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये हो गया बेटा जो हमारा जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन एरिया है उसके बारे में। इससे रिलेटेड सबसे पहले हम एक इमेज देखते हैं। ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का ये गंगा रिवर्स, वहां पर जो नावें चलती है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड हम एक और इमेज देखते हैं। तो ये जो आपका मैप है जहां पर इधर से आपको जो गंगा रिवर का जो बेसिन एरिया है वो आपको नजर आ रहा है, ये आपका गंगा का बेसिन एरिया, इधर आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बेसिन एरिया है इसके बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल जो स्टडी है वो हम करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को, जानने को, सुनने को मिलेगा। लोकेशंस, गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ड्रेन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो हमारा जो गंगा रिवर है वो कहाँ पर है? तो ये जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न जो पार्ट्स है, जैसे यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है, तो हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स है, ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट्स है, जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया, ये ईस्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो यहाँ पर हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लोकेटेड है। इससे रिलेटेड चलिए हम जो गंगा जो रिवर्स है उससे रिलेटेड एक जो हम मैप में देखते हैं कि वहाँ पर ये जो फर्टाइल जो एलिवियल जो प्लेन है, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट जो फर्टाइल जो एलिवियल जो प्लेन एरियाज है, ये जो प्लेन एरियाज है जहाँ पर मोस्ट एग्री एक्टिविटीज है वो
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, देन अदर जो एक्टिविटीज है यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, ये डेवलपमेंट हो गया। सो ये जो रिवर्स है फ्लो कहाँ से, जो पैरेलल जो हिमालय जो माउंटेन हमारा ऐसा है, तो इसी तरीके से जो ये जो रिवर्स है वो भी फ्लो होते हैं। इधर से आपका जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है वो फ्लो होते हुए हमें मिलेगा। और जो मैक्सिमम जो एरियाज हैं वर्ल्ड का, जो लार्जेस्ट जो हम बात करें जो प्लेन एरियाज है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ये लोकेटेड कहाँ है। सो ये जो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ जो लेटिट्यूड है वहां तक ये लोकेटेड है। अब जो गंगा रिवर से रिलेटेड हम बात करें तो उससे रिलेटेड जो वीडियोज है वहां पर आप देखिए, ये जो मैप है वहां पर हम देखते हैं कि कहां से जो गंगा है वो ऑर्गेनेट हुआ है, कहां से वो फ्लो होता है, किस तरीके से उसका जो फ्लोइंग है वो हमें देखने को मिलेगा। हमारा गंगा रिवर्स है और जो गंगा जो है ओरिजिनेट होते कहाँ से जो गंगा निकलती है, तो ये जो गोमुख वाला जो एरिया है ये आपको यहाँ पर एक इमेज में आपको दिखे, ये जो सोर्सेज है ना, ये जो आपका जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है और ये जो गोमुख वाला जो एरिया है यहाँ से जो गंगा जो है ओरिजिनेट होती है, मीन्स यहाँ से गंगा निकलती है। तो इसको भी इस जगह को आप देख सकते हैं कि यहीं से ही हमारा जो गंगा है वो क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है। ये आपका जो मैप है यहाँ पर आप जो देख सकते हैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बैक जाएं तो ये आपका पूरा का पूरा जो ग्लेशियर वाला एरियाज है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका गोमुख है। हम इधर पीछे आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ये आपका गंगोत्री जो ग्लेशियर वाला एरियाज है, ये अभी सब सब जो एरियाज ये आपके हिमालय जो माउंटेन रेंज है जो किससे कवर्ड है, आपके ये जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी के आगे जो बढ़ते हुए जब ये जो ग्लेशियर है वो आइस है वो पिघलने लगता है, मेल्ट हो जाता है, तब आपको क्या दिखाई देता है, ये जब जैसे आगे मेल्ट होगा तो ये गोमुख है, यहाँ से जो वाटर के रूप में वाटर सोर्सेज के रूप में हमारा जो है गंगा जो है यहाँ से निकलती है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर आगे वो जैसे ही आगे जाते जाती है तो आगे और आपको जो व्यूज आपको दिखाई देगा, ये सभी आपको डिफरेंट जो माउंटेन रेंज आपको और अलग अलग एरिया से अलग अलग जो छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स हैं वो इसमें आकर मिक्स हो रहा है, जैसे ग्लेशियर वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो इधर से डिफरेंट जो पार्ट से डिफरेंट जो एरियाज से आपको नजर आएंगे कि अलग अलग जो रिवर्स हैं वो आकर यहाँ पर क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, और ये सभी आपको हिमालय जो रेंज है वो आपको दिखाई दे रहा है। सो बेटा अब जैसा आपने देखा कि जो गंगा है वो गोमुख वाले एरिया से निकलते हैं, साथ ही साथ आपके जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से ऑरिजिनेट होते हैं। अब इसमें जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कुछ जो ट्रिब्यूटरी नॉर्दर्न जो ट्रिब्यूटरीज में नॉर्थ पार्ट से आकर मिलते हैं, जिसमें आपके घाघरा गंडक गोमती कोसी ये देखने को मिलेगा। देन कुछ जो है आपके जो साउथर्न जो ट्रिब्यूटरीज, जिसमें यमुना बेतवा केन और सोन, ये जो है साउथ पार्ट से, जैसे यहां पर आप देखोगे इस मैप में आपको नजर आएगा कि इधर से कुछ जो है नॉर्थ पार्ट से मिक्स हो रहे हैं यहां पर, साथ ही साथ इधर से आपको बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो आपके साउथ में, जिसमें मेजर आपका यमुना जो रिवर्स है। सो ये जो गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज एक तो है नॉर्थ और साउथ से आकर मिलते हैं। नेक्स्ट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें, ये आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका इमेज यहां पर दिखाई दे रहा है। सो जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड नियर द ग्लेशियल लेक मानसरोवर इन तिब्बत। ये कहां से निकलता है, तो जो ब्रह्मपुत्र है वो जो मानसरोवर जो लेक है जो तिब्बत में है वहां से वो निकलता है। इससे रिलेटेड हम जो चलिए मैप में चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि जो गंगा का जो गंगा रिवर्स का हमने देखा, अब जो है ब्रह्मपुत्र रिवर्स देखते हैं उसका जो सिस्टम है वो कहां से फ्लो होता है, किस एरिया पर जाकर वो मिक्स होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर्स देखें तो ये आपको जो टोटल ये जो बांग्लादेश एरिया या फिर हमारा जो आसाम या फिर अरुणाचल प्रदेश है, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्रह्मपुत्र दिखाई दे रहा है। यहां पर आप जो देखेंगे तो इधर आपको दिहांग जो दिखाई देगा, ये एरिया है, ये तो यहाँ पर जैसे इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये जो एरिया है यहाँ पर हम उसको ब्रह्मपुत्र के रूप में जा रहे हैं। ये जो रिवर्स है आपका ब्रह्मपुत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक जो स्ट्रीम आ रहा है और यहाँ से, तो डिफरेंट जो स्ट्रीम्स है डिफरेंट जो धाराएं हैं वो ब्रह्मपुत्र में आकर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है और एक बहुत बड़ा जो रिवर का फॉर्मेशन ये जो है आपको नजर आ रहा है। ये सभी डिफरेंट जो स्ट्रीम्स है डिफरेंट जो माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हुए आपका ये जो एक स्ट्रीम नजर आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इधर से होते हुए जो माउंटेन जो हिली जो ट्रैक्स है यहाँ से, ये जो यू शेप में हमने देखा था आपको पता चलेगा कि जो सोंगपो जो रिवर्स है तिब्बत में उसको सोंगपो के रूप में जानते हैं, फिर जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है तो उसे दिहांग के रूप में जाना जाता है, फिर वो जो बाद में अरुणाचल प्रदेश में इंटर होने से पहले उसे हम दिहांग के रूप में जानते हैं, देन वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है तब हम उसे किस रूप में जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा में आसाम में, देन फिर उधर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है सो उसका जो नेम है वो
चेंज होते जाता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा का पूरा मैप व्यू आपको जो ग्लोब के थ्रू आपके जो गूगल मैप है उसके थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहीं पर ही आप देखोगे तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है यहीं पर ही इधर ही से ही वो जो है हमारा जो क्या जो ब्रह्मपुत्र का जो रिवर्स है वो उसका जो सोर्स है वो आपको यहीं पर ही मिलेगा। मानसरोवर लेक की हम बात, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जहाँ से जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है वो ऑरिजिनेट हुई है आपका मानसरोवर लेक जिसे हम बात कर सकते हैं। ये जो चाइनीज में आपको दिखाई दे रहा है, सो ये जो मानसरोवर लेक है यहीं से ही ये जो सोर्सेज है हमारे जो ब्रह्मपुत्र का जो रिवर्स का जैसे इसको जो तिब्बत वाला जो एरिया है वहाँ पर उसको किस नाम से सैंगपो के रूप में जाना जाता है। ये यहीं से ही जो एक स्ट्रीम के रूप में वो निकलते हुए आगे बढ़ती जाती है ये जो स्ट्रीम्स है और फाइनली इधर आपका जो दिहांग या फिर आगे जाकर वो ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है। इसी पर ये जो है स्ट्रीम आपको जो नजर आ रहा है ये जो स्ट्रीम्स है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, ये आगे बढ़ते जा रही है आपको फिर यहाँ से वो टर्न लेते हुए आपके जो इंडिया में जो है क्या होती है ये देखिए यहाँ से वो आ गया यहाँ तक टर्न हुआ फिर यहाँ से इधर होते हुए स्ट्रीम से सडनली यहाँ से या फिर इधर से हम देखेंगे तो वो जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर टर्न होते हुए वो इंडिया में इंटर करते हैं। इंडिया से होते हुए वो आपका ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर वो आपका बांग्लादेश में इंटर हो गया। बांग्लादेश से इंटर होने के बाद इधर से आपका ये जो रिवर्स है हमारा कौन सा रिवर्स ये है हमारा गंगा रिवर्स वो इधर आकर आपका कहाँ पर बांग्लादेश में मिक्स हो रही है यहाँ पर देन आगे जैसे बढ़ते जाता है तो इधर से आगे वो बढ़ते हुए बांग्लादेश में वो जमुना के नाम से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है वो जमुना हो जाएगा फिर दोनों जब मिक्स होंगे तो पद्मा रिवर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पद्मा रिवर्स देन इधर लास्ट में आप जाएंगे जहाँ पर मिक्स होता है कहाँ पर हमारा जो ओशियन है बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो डेल्टा एरिया है ये आपका जो डेल्टा एरियाज है जहाँ पर वो अपने जो डिपॉजिट करते जाते हैं जो सेडिमेंट्स है उसको आपको नजर आएगा। ये जो है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो डेल्टा वाला एरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहीं पर ही जो हमारा सुंदरबन का जो डेल्टा है वो यहाँ पर पाया जाता है। सो ये तो हो गया बट आपका जो मैप है चलिए हम बुक्स में वापिस चलते हैं। सो जैसा कि हमने अभी जो ये जो मैप के थ्रू देखा कि जो ये जो रिवर्स है गंगा जो आपका जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है वो मानसरोवर से निकल रहा है देन वहां पर तिब्बत एरिया में उसको सैंगपो के रूप में जाना जाता है। जैसे ही वो जो है ईस्ट वर्ड फ्लो होते हुए सडनली वो जो नेहरो जो डीप जो गॉर्ज है वहां जो टर्न होते हुए वो साउथ वेस्ट की ओर मुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है और उसको जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है तो उसके दिहांग के रूप में जाना जाता है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है उसे हम ब्रह्मपुत्र के रूप में जानते हैं। आसाम में वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है बाकी जो अदर जो पार्ट्स है वहां पर इंडिया में वो ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जैसे ही वो साउथवर्ड से होते हुए बांग्लादेश में इंटर होता है और बांग्लादेश में इंटर होता है तो उसे हम जमुना के रूप में जानते हैं। फिर वो गंगा के साथ मिक्स होकर वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो डेल्टा जो बनाते हैं उसे हम सुंदरबन का जो डेल्टा है वो आप इसका इमेज देख सकते हैं उस रूप में जानते हैं। देन जब वो गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर मिलता है तब उसे पद्मा के रूप में जानते हैं। तो इस सब के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको मैप में क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम इसका जो आपके क्लाइमेट्स ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन एरिया है वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है। सो द समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर वार्म एंड मिल्ड में जो समर है वो बहुत ही क्या होता है हॉट होता है बट जो आपका जो विंटर है वो वार्म भी होता है मिल्ड मीन्स जो किस किसी एरिया पर देखोगे तो आपको जो ठंडी भी मिलेगा साथ ही साथ वो गर्मी का भी एहसास होगा। सो हाउएवर इन द लैंडलॉक रीजन ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल गंगा बेसिन द विंटर आर रीजनेबल कोल्ड मीन्स जो लैंडलॉक जो रीजन जैसे हम इस एरिया पर बात करें जहां पर रिवर वाला एरिया नहीं है पास के नहीं है तो इस एरिया में जो विंटर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस होता है। सिंस द इंटायर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉल इन द सब ट्रॉपिकल मानसून एशिया रीजन इट एक्सपीरियंस वेल अबव 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर मीन्स जो ज्यादातर हमारा क्या है जो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर जो सिस्टम है वो मानसून एशिया रीजन में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आपका जो वर्ल्ड में आपका जो पूरे ईयर्स भर आपका 200 सेंटीमीटर के आसपास जो रेनफॉल्स एवरेज जो रेनफॉल्स है वो होता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेन टू दिस रीजन बिटवीन जून एंड मिड सेप्टेम्बर मीन्स यहाँ पर जो आपका जो जून
और जो मिड जो सितंबर के जो बीच में जो साउथ वेस्ट जो मानसूनी हवाएं हैं विंड्स है उनके द्वारा यहाँ पर रेनफॉल किया जाता है, रेनफॉल होता है। सो जैसे यहाँ पर आपने देखेंगे बेटा यहीं पर ही आपको जो गारो खासी और जयंतिया हिल है, तो यहीं पर ही आपके जो मौसी राम चेरापूंजी में मौसी राम नामक एक जो जगह है वहां पर वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो रेनफॉल है वो यहीं पर होता है। नेक्स्ट जो हम इस एरिया का जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन एरिया है वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, सो द नेचुरल वेजिटेशन इन द सब ट्रॉपिकल रीजन इंक्लूडेड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडस जो फॉरेस्ट है, मीन्स यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है साथ ही साथ जो डेसिडस जो मॉइस्ट जो डेसिडस जो फॉरेस्ट है वो भी मिलता है। यहाँ पर मेन जो ट्रीज की हम बात करें सो टीक साल बैम्बू पीपल एंड बनियाना जो ट्रीज है, बनियाना जो ट्रीज है वो यहाँ पर पाया जाता है जो ट्रीज है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो रीजन है वहां पर जो मैग्रोव जो फॉरेस्ट है जिसे हम सुंदर बन या फिर जो सुंदरी जो ट्रीज के रूप में जानते हैं वो यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो आपका जो मिक्स जो जोन है फ्रेश वाटर और जो सॉल्ट वाटर जहां पर मिक्स होता है वहां पर ये जो आपका मैग्रोव जो फॉरेस्ट है सुंदरबन का जो सुंदरी जो ट्रीज है ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर ग्रो करता है। जैसे यहाँ पर आपको नीचे में आपका जो हमेशा दिखाई दे रहा है वाटर से ये क्या होता है भरा रहता है। सो ये हो गया बेटा हमारा कि जो सुंदरबन का जो डेल्टा एरिया जो नेचुरल वेजिटेशन। साथ ही साथ नेक्स्ट हम देखें एनिमल्स लाइफ, यहाँ पर किस टाइप के जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं, तो इसका इमेज देखिए यहाँ पर ये आपके ब्लू एयर आपके जो किंग फिशर्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है, क्रोकोडाइल आपके जो फ्रेश वाटर जो फिश है वो, चीतल ये जो एक प्रकार का जो डियर है वो यहाँ पर पाया जाता है। कुछ और यहाँ पर देखें तो वही जो पॉइंट्स है एलिफेंट्स मंकी डियर बंगाल टाइगर्स क्रोकोडाइल्स स्क्वायर्स ये सभी जो है यहाँ पर पाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट जो आपके एनिमल्स है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पाया जाता है एक जो इम्पोर्टेंट है जो वन हॉर्न राइनोसॉर्स इज अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मीन्स एक सिंग वाला जो गैंडा है वो यहाँ पर पाया जाता है स्पेशली जो आपके जो काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है वन्य जीव अभयारण्य वहाँ पर। अनदर जो इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है इस रीजन में आपके जो मानस है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट स्पीसीज है उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सो दिस बींग रेनी रीजन एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो अबंडेंट हियर इन अ फ्रेश वाटर लेक, मीन्स ये जो रेनी जो रीजन है यहाँ पर रेन बहुत होता है। सो यहाँ पर जो वाटर में पानी में पाए जाने वाले जो आपके जो एनिमल लाइफ है वो भी मिलते हैं जैसे लेक पॉन्ड्स है रिवर्स है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल आपके जो फिशेज है जिसमें रोहू कतला हिलसा ये सभी जो फ्रेश वाटर के जो फिश है जो पाए जाते हैं जिनको बहुत सारे जो लोग हैं बड़े चाव से खाते हैं, आप लोग भी है बहुत ही ज़्यादा कई जो लोग हैं वो पसंद करते होंगे। सो ये यहाँ पर एनिमल लाइफ हुआ। नेक्स्ट बेटा पीपल्स की हम बात करें लोगों की हम बात करते हैं यहाँ पर। सो लोगों के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर जो ये जो एनिमल्स लाइफ से कुछ जो रिलेटेड यहाँ पर हाउसेस आपको नजर आ रहे हैं, लोग जो है मार्केट्स लगा रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर कई जो लोग हैं आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी वो जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाले जो रीजन है वहां पर आप बिलोंग करते हैं वहां पर रहते हैं। सो द रीजन हैज अ रिच एंड वाइब्रेंट हिस्ट्री विच स्पैन मोर देन 3000 ईयर्स, मीन्स यहाँ का जो हिस्ट्री है वो ये जो एरिया है वो अभी का नहीं है ना, यहाँ पर हिस्ट्री में जाए तो 3000 ईयर्स या फिर उससे पहले के जो लोग हैं यहाँ पर रहते आए हैं। और ये जो फर्टाइल जो प्लेन एरिया था मीन्स उपजाऊ मैदान था, सो जो लोगों के जो उस समय के लोग भी उनके लिए भी पसंदीदा जगह था क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो बेहतर तरीके से होता था। सो पावरफुल किंगडम्स हैव रूल्ड इंडिया फ्रॉम देयर कैपिटल लोकेटेड इन दिस प्लेन, मीन्स जो जितने भी पावरफुल जो किंगडम्स थे वो इसी एरिया पर रहे, उनका जो कैपिटल है इसी के हमारा जो गंगा जो रिवर जो सिस्टम है रिवर जो बेसिन है उन्हीं के आसपास उनका जो कैपिटल हुआ करता था। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, मीन्स ये जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, लोग यहाँ पर जो जनसंख्या है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, मीन्स जो अधिकांश जो पीपल्स है उनका जो काम है एग्रीकल्चर है, बट अभी के दौर में देखा जाए तो बहुत सारे जो पीपल्स है वो डिफरेंट जो चाहे वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन को छोड़कर सेकेंडरी या फिर जो टर्शरी जो ऑक्यूपेशन है उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर अब आपको बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो देखने को मिलेगा,
टूरिज्म एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पर मेन जो ऑक्यूपेशन के रूप में उसको भी देखा जा सकता है। सो अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल लिव इन रूरल एरियाज, मीन्स ज्यादातर जो पीपल्स है यहाँ पर रूरल एरियाज में गाँव में रहते हैं। द रूरल सेटलमेंट्स हियर आर सर्कुलर और लाइनर एज दे फाउंड अलोंग साइड रिवर बैंक्स, मीन्स जो सर्कुलर या फिर जो जैसे कोई जो यहाँ पर वाटर एरियाज है तो इसके आसपास आपको हाउसेस देखने को मिलेगा, या फिर रिवर्स फ्लो हो रहे हैं तो उसके लाइनर जो सर्कुलेशन मीन्स इसके आसपास जो है ह्यूमंस का जो सेटलमेंट्स मिलता है। सो देयर आर मेनी ट्राइब्स लाइक अहोम्स, द गोंड्स, द संथाल्स, द भील्स इन द हिली रीजन्स, हिली जो रीजन्स है वहां पर ये जो वे आर द पॉपुलेशन इज लो एज अ टेरेंस इज इनहॉस्पिटेबल एंड रफ, मीन्स यहाँ पर जो कई जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो हिली जो रीजन्स है वहां पर जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो रहते थे और अभी भी बहुत सारे जो ट्राइबल्स है वहां पर रहते हैं। सो द स्टेपल जो फूड्स है ये जो लोअर जो रीचेज है वहां पर राइस और फिश है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर राइस जो ग्रो किया जाता है साथ ही साथ फिश जो है वो भी रिवर्स में अबंडेंट अमाउंट में मिलता है। सो मेन जो मुख्य जो भोजन है इस एरिया का वो आपको राइस और फिश है वो देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखा जाए तो देयर इज अ यहां पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन और जो हेल्थ है वो जो सिस्टम है यहां पर आपको डेवलपमेंट हुआ मिलेगा। देयर इज अ डेफिनेट नीड्स टू इंप्रूव द एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अभी भी जो कई जो एरियाज है जो डेवलप्ड एरियाज है सिटीज है वहां पर हेल्थ और एजुकेशन जो सिस्टम्स है वो डेवलप मिलेगा, बट रूरल एरियाज है ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनके बीच अभी भी जो है हेल्थ और एजुकेशन है वो ठीक से नहीं पहुंच पाया है। माइग्रेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल सेक्टर टू द अर्बन सेक्टर इज हाउ यू आर ऑन द इंक्रीज, मीन्स जो बेहतर जो लाइफ स्टाइल के तलाश में, जॉब के तलाश में, काम के तलाश में जो लोग हैं वो गाँव को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। सो जो आपके जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ते जा रहा है, लोग जो है गाँव को छोड़कर शहरों में जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि गाँव में उनके पास अब कोई ऑक्यूपेशन है, कोई काम है वो नहीं बचा है। सो अब यहाँ पर मेनी टाउन्स एंड सिटीज हियर आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स, जो टूरिस्ट जैसे मैंने बताया जो पर्यटन है जो लोग घूमने आते हैं दूसरी जगह से तो वो भी एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग है, इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स, इंपॉर्टेंट जो ऑक्यूपेशंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना एट प्रयागराज, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद को अभी हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं, उसका जो नाम है वो चेंज हो गया है। सो द टेम्पल टाउन्स ऑफ वाराणसी, ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ द यमुना इन आगरा, द बारा इमाम बारा इन लखनऊ, द काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द हिस्टोरिक एंड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ कोलकाता एंड द पटना अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स जो अलग अलग एरिया पर जैसे आपके जो प्रयागराज में आपको प्रयाग पर जो गंगा यमुना जो जहां पर मिक्स होता है वो प्लेस, आपका ताजमहल, वाराणसी का जो टेम्पल टाउन्स के रूप में हम उसको जानते हैं, इमाम बारा है, काजीरंगा माना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, साथ ही साथ जो ओल्ड जो आपका जो इंडस्ट्रियल जो सिटीज हैं कोलकाता वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो अट्रैक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स के रूप में है, इम्पोर्टेंट सिटीज के रूप में है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो वरीड हैं, क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो गंगा, हमारा जो गंगा जो जो होली जो रिवर्स हुआ करता था, पवित्र जो नदी है उसको जो ह्यूमंस है वो अपने लिए, अपने जो इंटरफेयरेशन के, अपने इंटरफेयर के लिए, अपने आपको पवित्र करने के लिए गंगा को क्या कर रहे हैं, हम इम्प्योर कर रहे हैं, उसकी जो पवित्रता है उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसको डर्टी कर रहे हैं। बहुत सारे जो आपके जो सिटीज टाउन से निकलने वाले हैं या फिर जो आपके जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर से जो निकलने वाले हैं वो उसको क्या करते जा रहे हैं, पोल्यूटेड करते जा रहे हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे सो इन्वायरमेंटलिस्ट आर वरीड अबाउट द रेट एट विच द गंगा इज गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द डंपिंग ऑफ ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल वेट, मीन्स हम जो है ह्यूमंस के द्वारा जो निकलने वाले जो वेस्ट है, इंडस्ट्री से जो निकलने वाले जो वेस्ट है उसको हम जो है रिवर्स में क्या कर दे रहे हैं, उसको हम डंप कर दे रहे हैं, उससे जो हमारा जो रिवर है वो वेस्ट होते जा रहा है, आपका जो क्या होते जा रहा है वो
पोल्यूट होते जा रहा है। जो फॉरेस्ट जो कवर थे, द फॉरेस्ट कवर इज ऑल्सो बिगेन डिप्लेटेड एज द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड रेगुलरली फॉर कल्टिवेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स। में जो फॉरेस्ट है उसको हम क्लियर कर दे ह्यूमंस के रहने के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, वहां पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, रोड्स ब्रिजेस बना रहे, रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे हैं। सो जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्लियर होते जा रहा है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पल्यूट होते जा रहा है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी, इस जो एरिया पर हम जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इकोनॉमी हम यहां पर देखें। सो द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दिस रीजन इज एग्रीकल्चर। मेन जो एक्टिविटीज है यहां का क्या है, एग्रीकल्चर है। मैक्सिमम जो पीपल्स है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। द फर्टाइल सॉइल हियर इंश्योर दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज हाई। मीन जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटीज है, कोई भी जो एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है तो उसका जो उत्पादन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। स्टेबल जो क्रॉप है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो राइस है, और आपके जो रेनी जो रीजन है वहां पर साथ ही साथ जो वीड्स है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा, मीन्स जो चावल और गेहूं है वो यहाँ पर उगाया जाता है। साथ ही साथ जो कैश क्रॉप के रूप में देखा जाए तो जूट, जूट का प्रोडक्शन इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अराउंड हुगली एंड इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ गंगा, मीन्स जो आपका जो जूट का जो प्रोडक्शन है वो गंगा का जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, मीन्स जो गंगा जो है डिवाइड हो जाता है किसमें, हुगली रिवर्स के रूप में। ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो जिस रिवर में आकर वो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, शामिल हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स वो उससे जो है क्या आ रहा है, बट रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो जो गंगा का जो इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है हुगली, उसके जो कैचमेंट एरियाज है वहां पर जूट है वो ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ कुछ जो हिली जो ट्रैक्स वाले जो रीजन है, हिली जो रीजन है जैसे आसाम का वाला जो रीजन है, वहां पर टी प्लांटेशन है वो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। टी का जो प्रोडक्शन है वो वहां पर किया जाता है, जिसे हम एक पेय क्रॉप्स के रूप में, बेवरेज जो क्रॉप्स है जिसे हम चाय के रूप में पीते हैं, लगभग सभी के यहाँ टी का जो है यूज किया जाता है। कुछ अदर जो क्रॉप्स है जिसमें आपके जो पल्सेस हैं, दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, तेल जो निकालने के लिए जो ऑयल सीड्स है उसका, सुगर कैन है, बनाना है, ये ग्रो किए जाते हैं। साथ ही साथ जो और जो स्मॉल अमाउंट्स में और जो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल जो क्रॉप्स हैं उनको भी ग्रो किए जाते हैं। बिहार एंड आसाम आर ऑल्सो नॉन फॉर सेरिकल्चर। मीन जो सेरिकल्चर किस लिए, तो यहाँ पर राइजिंग सिल्क वार्म इन ऑर्डर टू ऑप्टेन रॉ सिल्क, सिल्क प्रोवाइड करने के, वहां पर जो सिल्क वार्म को ग्रो किया जाता है, तो इसलिए आसाम और बिहार का जो एरिया है उसको सेरिकल्चर के लिए वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। अब जो कुछ जो एरिया जो पीपल्स हैं, पीपल्स अलॉन्ग द हिली ट्रैक्स प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमंस, मीन्स जो जिस आपके जो हिली ट्रैक्स वाले जो एरियाज पर रहने वाले जो पीपल्स हैं वो वहां पर ट्रांस ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो किया जाता है। मीन्स वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। आपका जो हियर्डर्स माइग्रेट विद देयर कैटल्स अप द माउंटेन्स इन समर एंड डाउन टू द प्लेन इन विंटर। मीन्स जब समर सीजन पे जो प्लेन एरियाज है वहां पर जस्ट माउंटेन के नीचे वाले जो एरियाज है वहां पर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो हिली जो ट्रैक्स है माउंटेन रीजन ऊपर चले जाते हैं। साथ ही साथ जब विंटर्स आता है सो फिर से वापस वो प्लेन एरियाज पर आ जाते हैं। सो इसे हम ट्रांसह्यूमेंस के रूप में जानते हैं। देन जो सेकेंडरी एंड जो टर्शरी जो इंडस्ट्रीज आर आल्सो डेवलपिंग एट अ फास्ट रेट। मीन जो सेकेंडरी जो एक्टिविटीज, मीन एग्रीकल्चर या फिर जो फिशिंग है, प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़कर जो सेकेंडरी जो एक्टिविटीज आता है जिसमें हम जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको लेते हैं, साथ ही साथ जो टर्शरी जो इंडस्ट्रीज जो सिस्टम्स है उसमें हम आपके जो सर्विस जो सेक्टर्स वाले हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, आपके जो एजुकेशंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, सो ये जो इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जूट इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज आर सेंट्रलाइज अराउंड हुगली। जूट का जो प्रोडक्शन है वो हुगली रिवर्स के आसपास ही होता है, सो इस कारण से इसी के आसपास जो जूट इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा डेवलप है। आसाम हैज द डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ ग्रेट वैल्यूम टू द नेशन। मीन्स जो आसाम वैली है वहां पर ऑयल या फिर नेचुरल गैस है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कुछ और जो एरियाज है वहां पर आपको जो आपके जो हमारे फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो क्या करें, कलेक्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है कि जो द इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर एक्सट्रीमली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। हमने जैसे देखा कि जो नेचुरल जो रिसोर्स है वो इस एरिया पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे
इट इज द मैंडेटरी दैट वी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम फर्दर डिग्रेशन एंड सस्टेन इट्स रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल स्पीसीज है, डिफरेंट वराइटीज के वहां पर हमें इन्वायरमेंटल जो है आपके जो बायोडाइवर्सिटी वहां पर देखने को मिलेगा। बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम तो उसको यूज कर रहे हैं बट हम जो है हमारे जो रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करें, वहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ताकि जो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंटल है वो अवेलेबल हो। मैं हमेशा क्लासरूम में कहता हूं कि अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, कोई जो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, आप जो उस रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, तो आपके आने वाले जो जनरेशन है, आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके लिए भी वो जो रिसोर्स है वो है बेटा बाकी रहना चाहिए। अदरवाइज हम सोचेंगे हम तो मिल गया, अगर हम सोचेंगे हमारे लिए मिल गया बट दूसरे के लिए हम क्यों सोचे, तो फिर ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। सो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड हो, हमें प्लांटेशंस करने हैं ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी वो जो सुविधाएं हमें मिल रही है जिसका हम यूज करें वो भी उनका यूज कर सके। सो बेटे यहाँ पर जो है मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट किया जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा है वहां पर आप जाके देखिए, इन स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपका जो लिंक है वो देखने को मिलेगा। सो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।